नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के एनडीए में आने की सुगबुगाहट चल रही है, वहीं कई दल एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार के स्वागत में रेड कारपेट बिछा रहे हैं। आज सुबह से ही लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पशुपति पारसनी का एक गेम पलट दिया है। उन्होंने एक लाठी से दो दो शिकार कर दिया है। मैंने आपको पहले भी विश्लेषण बताया था कि जब अमित शाह से सुजमान सिंह के साथ मुलाकात हुई थी पशुपति पारस की, तो मुख्य एजेंडा और कुछ नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही थे। आज भी नीतीश कुमार पर लिए गए सवाल में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार के आने को लेकर सारी जो संभावनाएं हैं उस पर भी बयान दिया। सुनिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। देखिए, आज रोजगार मेला का 9वां एपिसोड है। 2022 में 22 अक्टूबर 2022 से रोजगार मेला की शुरुआत हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हुई और एक वर्ष में एक लक्ष्य रखा गया कि कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए। और उसी के क्रम में आज 9वीं बार पटना में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और 125 लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, उसमें विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग हैं। देखिए, देश के आज़ादी में क्या 75 वर्ष पूरा होने वाला है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो दृष्टि है, जो गरीब तबका के लोग है, बेरोजगार है, नौजवान है, किसान है, वृद्ध है, माताएं, बहनें, सभी लोगों के कल्याण की बात उनके दिमाग में है। अभी आपने देखा होगा कि स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुला करके उन्होंने जो 30 वर्षों से महिला विधेयक लंबित था, उसको उन्होंने सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाया और जिसमें 33% महिलाओं को विधानसभा में, लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जी ट्वेंटी की अध्यक्षता भारत को मिला और हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में G20 की बैठक हुई और काफ़ी सफल साबित हुआ। पूरे जितने भी देश विदेश के लोग आए हुए थे, इवन अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी भारत से लौटने के बाद भारत की प्रशंसा की। आज के तारीख में विश्व के स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, पूरा विश्व स्वीकार करता है और भारत का नाम पूरे विश्व के स्तर पर, भारत का नाम एक नंबर पर है। आज तक विदेशी नीति भी है, अपने देश का जो विदेश नीति था, इस बार जितना अच्छा हुआ उतना आज तक 75 वर्षों में कभी नहीं। तेजस्वी जी ने एक बात कही है कि एनडीए लगातार घटक दल अलग होते जा रहे हैं, एआईएडीएमके आपके अलग हो गया, नीतीश कुमार भी अलग हो गए। देखिए, जो आदमी खुद कमजोर होता है दूसरे को कहता है कमजोर हो रहा। एक बात आप जान लीजिए कि देश का नेतृत्व विगत 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चल रहा है और आप जी ट्वेंटी की अध्यक्षता की बात करिए, आप महिला आरक्षण बिल की बात करिए, आप प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर विश्वकर्मा समाज के लोगों को तोहफा दिया, आप वो देखिए, चंद्रयान की बात देखिए, तो दिन प्रतिदिन देश आगे बढ़ रहा है। अब विपक्ष का काम है विरोध करना। अब वो तेजस्वी जी विरोध कर रहे हैं, वो देहात में कहावत है कि चलनी दूसरे के रसूख को जिसमें 7000 छेद है। आप विशेष बात हम बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं, मैं विशेष बात बोलना नहीं चाहता हूँ। देश का विकास आज़ादी के बाद कितनी भी सरकारें बनी और गई, कितने भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों में जो देश का विकास हो रहा है, चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, इवन ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमजोर थे, उनको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। तो इसलिए कौन क्या कहता है नहीं कहता उसकी बात छोड़िए, लेकिन देश विकास के पथ पर है और आज अपने देश का जो विदेश पॉलिसी है वो सबसे अच्छा है और विश्व में हिंदुस्तान का और नरेंद्र मोदी जी का नाम है। सर, नीतीश कुमार को लगता है क्या फिर से एनडीए में वो जाने की सोच रहे हैं? अरे भाई, देखिए एक और जान लीजिए आप, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए क्या उपेंद्र जी,
समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। नीतीश जी आ जाएंगे, नीतीश जी आ सकते हैं, स्वागत होगा, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत, चलिए स्वागत होगा, चलिए स्वागत होगा सर, सभी चीजें भूल जाएंगे सर, कुछ ऐसा रहेगा। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।